हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉजिक बताने वाला हूँ पीएलसी का, जो कि है टू हैंड कंट्रोल साइकिल स्टार्ट का। तो टू हैंड कंट्रोल साइकिल स्टार्ट में बेसिकली जो मशीन्स होती हैं उसमें हम एक रिले यूज़ करते हैं, टू हैंड सेफ्टी रिले जिसे बोलते हैं। अगर सपोज़ वो हमारे पास में नहीं है और हम उसको पीएलसी में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की सेविंग हो जाती है, क्योंकि वो जो टू हैंड कंट्रोल रिले है वो अराउंड 30,000 के उसकी कॉस्ट है। तो उसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले उसके इनपुट और फ्लैग और टाइमर समझ लेते हैं। दो इनपुट हैं, X1 X0, ये दोनों हमारे टू हैंड के इनपुट हैं। एक लेफ्ट हैंड पे इनपुट है हमारा पुश बटन और एक राइट हैंड पे पुश बटन है, तो दोनों के इनपुट हैं X0 X1। फिर हमने इसमें एक फ्लैग लिया C2, जो कि हमारा टू हैंड ओके वाला फ्लैग हम जिसे बोलेंगे, मीन्स अगर हमारी टू हैंड की जो कंडीशन है वो ओके है तो ये फ्लैग हमारा ऑन हो जाएगा। फिर हमने इसमें क्या लिया, दो टाइमर लिए हैं, एक T0 और एक T1, और टाइमर का आउटपुट हमने लिया एक C0 फ्लैग लिया और एक C1 फ्लैग लिया है। और इसमें हमने जो टाइम डाला वो हम उसको अपनी अकॉर्डिंग टू आवर सेफ्टी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें डाल सकते हैं। अभी मैंने 0.5 सेकेंड डाला हुआ है, मीन्स कि अगर हमारे दोनों इनपुट विद इन 0.5 सेकेंड अगर आ जाते हैं तो हमारा जो आउटपुट है या साइकिल स्टार्ट वाला जो है वो रिले फ्लैग ऑन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अगर आपका और भी कम रिक्वायरमेंट है 0.2 सेकंड का तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं उतना टाइम सेट। तो ये दो टाइमर हो गए जो कि दोनों इनपुट से हमारे ऑन हो रहे हैं, और इसमें दोनों टाइमरों में टाइमर है 0.5 सेकंड का। उसके बीच में हमने कैंसिल लिया है दोनों के C2 फ्लैग का, जो कि हमारा टू हैंड कंट्रोल फ्लैग ओके वाला फ्लैग है। नेक्स्ट हमने क्या क्या है, जब हमारा दोनों पुश बटन हम प्रेस करेंगे साइमल्टेनियसली, उसमें हमारा जो टाइमर है दोनों के जो टाइमर है T0 T1, उनके जो फ्लैग हैं C0 C1 वो ऑन नहीं हैं और दोनों हमारे प्रेस हैं, तो हमारा टू हैंड ओके फ्लैग ऑन हो जाएगा C2। तो इसकी कंडीशन क्या हुआ, सपोज X0 हमने प्रेस किया और विद इन 0.5 सेकंड हमने X1 भी प्रेस कर दिया, तो हमारा C0 C1 कोई सा भी फ्लैग ऑन नहीं होगा और हमारा C2 ऑन हो जाएगा। और जब C2 ऑन हो जाएगा तो हमने दोनों टाइमर जो ये हैं C0 C1 इनको भी हमने कट करा हुआ उसी से, ताकि वो दोबारा ऑन होकर हमारा C0 C1 ऑन ना हो जाए। और ये हो गया हमारा ये लॉजिक। अब एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये मेरे X0 X1 इनपुट हैं और C0 C1 C2 हमारे फ्लैग्स हैं। तो X1 मैंने प्रेस किया तो 0.5 सेकंड के बाद में C0 ऑन हो गया। अब सपोज़ मैं X1 दूसरा इनपुट प्रेस करता हूँ तो मेरा जो टू हैंड ओके फ्लैग है वो ऑन नहीं होगा। ऐसे ही सपोज़ पहले X1 प्रेस कर दिया फिर मैं X0 करता हूँ तो भी मेरा टू फ्लैग जो है वो ऑन नहीं हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, साइमल्टेनियसली विद इन 0.5 सेकंड के अंदर दोनों इनपुट ऑन कर देता हूँ। अभी नहीं हुआ, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए तो इस वजह से ये देखिए, अब मैंने 0.5 सेकंड के अंदर ये दोनों इनपुट आ गए तो हमारा C2 फ्लैग जो टू हैंड ओके वाला फ्लैग है वो ऑन हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा ये है। इसका बेनिफिट ये होता है कि सपोज़ अगर हमारा कोई एक पुश बटन ख़राब है, एक पुश बटन हमारा प्रेस होकर रह गया तो हमें पता चल जाता है, क्योंकि अगर पुश बटन सपोज हमारा माल फंक्शनिंग कर रहा है तो एक ही पुश बटन से हमारी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी अगर हम ये इंटरलॉक नहीं डालेंगे, उसमें टू हैंड कंट्रोल रिले नहीं लेंगे या टू हैंड कंट्रोल लॉजिक नहीं यूज़ करेंगे। तो ये सेफ्टी से रिलेटेड इशू है, तो उसके लिए हमने ये लॉजिक बनाया हुआ है। तो ऐसे और लॉजिक सीखने के लिए, PLC का पूरा प्रोग्रामिंग सीखने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें। ये सारा कोर्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। थैंक यू।